आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम आज के फनकार समर्पित है अभिनेत्री परवीन बाबी को। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान। शान से, जीते हैं शान
वाकई प्यार करने वाले शान से जीने का हुनर बेहतरीन जानते हैं। परवीन बाबी को भी फैशन और फिल्मों से बेहद प्यार था। 1972 में मॉडलिंग से शुरुआत करने वाली परवीन बाबी ने फिल्मों में अभिनय के जरिए कदम रखा और 1973 में बनी फिल्म चरित्र से, जिसमें उनके हीरो थे तत्कालीन क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। लेकिन दोस्तों, उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी मजबूर, जिसमें उनको मौका मिला अमिताभ बच्चन के साथ 1974 में। रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, सुने घर को बसाना आसान है, आसान है, आसान है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई दोनों ही अहमदाबाद में पूरी हुई। फिल्मों में प्रवेश के बाद परवीन बाबी ने हिंदी फिल्म संसार में नायिका या हीरोइन की इमेज को बेहद ग्लैमरस और फैशन परस्त बनाया। जाहिर है वो चर्चा में थी और इतनी मकबूल हुई कि 1976 में एक जानी मानी विदेशी पत्रिका के मुख पृष्ठ पर उनको बाइज्जत प्रकाशित किया गया। परवीन बाबी को हिंदी फिल्मों ने सफलतम अभिनेत्री का दर्जा दिलाया। खास बात ये कि अपने दौर की तमाम अभिनेत्रियों जैसे हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, जया भादुड़ी, रीना रॉय और राखी जैसी अभिनेत्रियों की मौजूदगी में भी
परवीन की कामयाबी शानदार तरीके से कायम रही और आगे बढ़ती रही। रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल अरे कागज के फूल खुशबू अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बाबी को 8 बार कास्ट किया गया और खूबी ये कि सभी फिल्में हिट और सुपर हिट रही थी। इतना करे क्यों धोड़े दुनिया क्या कहेगी हमको, हम समझा अक्ल वाला बिल्कुल इडियट है तुम तो। सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ। सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू, गुजराती में बोलूं तने प्रेम करूं छो छो छो, बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हा के भालो बासी, और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तनु प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवणी वो साथी हो, 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 हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि I love you, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं हमें तुम्हारे भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं। दोस्तों अमिताभ बच्चन के अलावा भी उस दौर के अन्य हीरोज ने भी परवीन बाबी का साथ निभाया। शशि कपूर के साथ 1979 में सुहाग और काला पत्थर और 1982 में नमक हलाल। जवान ने जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। जवान ने जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। जवान जान मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। Thank you.
जाने जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जमा निसार हो गया शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो फिरोज खान के साथ उनकी फिल्म थी काला सोना, धर्मेंद्र के साथ 1983 में जानी दोस्त, और ऑफबीट फिल्मों में एक फिल्म आई थी मार्क जुबेर के साथ 1982 में, परवीन बाबी ने काम किया था, फिल्म बहुत चर्चा में रही थी और वो फिल्म थी ये नजदीकियां। हलाल, शान और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में हमेशा ही परवीन बाबी की याद दिलाती रहेंगी। ओ हमको तुमसे
गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाएं, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाएं, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो लगभग 60 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी परवीन बाबी बेहद स्टाइलिस्ट और फैशनेबल थीं। फिल्मी सिचुएशन के मुताबिक रहते हुए भी पर्दे पर उनकी उपस्थिति सबसे अनोखी, सबसे जुदा हुआ करती थीं। परवीन बाबी ने विवाह नहीं किया था, अपनी तन्हाई के साथ खुद को समझना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, खुशबू के घेरों में हम मर जाते हैं, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के घेरे, खुशबू के घेरे, मस्ती के घेरों में खुशबू के घेरों में हम मर जाते हैं, खाब तेरे यूं मिलते जाते हैं, दिल खिलते जाते हैं, लब गुनगुनाते हैं, सांसों में तेरी खुशबू के तेरे, खुशबू के तेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। अपने दौर के टॉप डायरेक्टर्स और टॉप हीरोज के साथ काम करने के बावजूद परवीन बाबी डाउन टू अर्थ रहा करती थीं। दोस्तों, कलाकार मूडी भी होते हैं और ऐसा ही परवीन के साथ भी हुआ। 1983 में अचानक विदेश जाकर परवीन बाबी ने सबको चौंका दिया था। अपने निजी कारणों से एकाकी रहकर 1988 में उन्होंने एक बार फिर मुंबई का रुख किया और फिल्म आकर्षण में एक विशेष भूमिका भी निभाई। उसके बाद वो फिल्मों में नजर नहीं आई। कहा जाता है कि 17 सालों तक उन्होंने एकाकी जीवन जिया, पब्लिक और फिल्मी लाइफ से उन्होंने खुद को दूर कर लिया था और 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जमीन से आसमान के सितारों की चमक कभी धुंधलाती तो कभी उभरती सी दिखाई देती है, लेकिन परवीन बाबी वो सितारा थीं जिनकी चमक हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बनी रहेगी। उनके चाहने वाले उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। प्यार करने वाले, प्यार...
था आज के फनकार प्रोग्राम। आज हमने याद किया सुपर फैशनेबल फिल्म अभिनेत्री परवीन बाबी को। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।